वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 12174 उद्योग नगरी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी और इस ट्रेन का किराया क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो फिर आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 12174 उद्योग नगरी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जंक्शन से महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन हर मंगलवार और गुरुवार को प्रतापगढ़ जंक्शन से रात 1:50 पर चलती है। इस ट्रेन को प्रतापगढ़ जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक के 1580 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 28 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 11 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको तत्काल की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल वाली श्रेणी नहीं होती है, इसीलिए आपको वो सुविधा इस ट्रेन में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है प्रतापगढ़ जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक। ये ट्रेन प्रतापगढ़ जंक्शन से झांसी जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है और फिर झांसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास वाले कोच, 12 स्लीपर क्लास वाले कोच, 3 थर्ड एसी क्लास वाले कोच, 1 सेकेंड एसी क्लास वाला कोच और 1 पेंट्री कार वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में जानकारी देता हूं। इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 390 रुपये, इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है 675 रुपये, इस ट्रेन का थर्ड एसी क्लास का किराया है 1770 रुपये, इस ट्रेन का सेकेंड एसी क्लास का किराया है 2545 रुपये। दोस्तों, मैंने ये जो किराया आपको बताया हुआ है, ये किराया प्रतापगढ़ जंक्शन से लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक है। भारतीय रेल अपना किराया समय समय पर चेंज करता रहता है। नए किराए या फिर लेटेस्ट किराए की जानकारी के लिए आप भारतीय रेल के रिजर्वेशन काउंटर या फिर भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा, जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। ये ट्रेन प्रतापगढ़ जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले प्रतापगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 से 4 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, उद्योग नगरी एक्सप्रेस प्रतापगढ़ जंक्शन से हर मंगलवार और गुरुवार को रात 1:50 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट अमेठी, यहाँ पर ट्रेन रात 2:33 पर पहुँचती है और 2:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट रायबरेली जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 3:23 पर पहुँचती है और 3:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट लखनऊ चारबाग, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:40 पर पहुँचती है और 5:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:50 पर पहुँचती है और 8 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट उरई, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:55 पर पहुँचती है और 10 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है।
इस ट्रेन का छठा हॉल्ट झांसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:40 पर पहुँचती है और 11:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव हटाकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अटैच किया जाता है इस ट्रेन में। इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट भोपाल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:25 पर पहुँचती है और 4:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट भुसावल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 10:50 पर पहुँचती है और 10:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट नासिक रोड, यहाँ पर ट्रेन रात 2:07 पर पहुँचती है और 2:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5 बजे पहुँचती है और 5:03 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट थाने, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:23 पर पहुँचती है और 5:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां और अंतिम हॉल्ट लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6 बजे पहुँचती है। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।